अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया है। प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में कदम रखने को कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रियंका गांधी पर व्यक्तिगत हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी को एक ऐसी बीमारी है जो सार्वजनिक जीवन के अनुकूल नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी ने कहा है कि उसको एक बीमारी है जो सार्वजनिक जीवन में अनुकूल और उपयुक्त नहीं है। उसको बाइपोलैरिटी कहते हैं, यानी उसकी हिंसावादी चरित्र दिखाई पड़ती है, लोगों को पीटती है। पब्लिक को पता होना चाहिए कि कब संतुलन खो बैठेगी, किसी को पता नहीं। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी लगातार गांधी परिवार पर हमला बोलते रहते हैं। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता पर भी जमकर सवाल उठाए और अब इस बार उनके निशाने पर प्रियंका गांधी आ गई हैं। आपको बता दें कि लंबे अरसे से प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीति में सक्रिय होने का इंतजार था। वो लोकसभा चुनाव से पहले महासचिव बनकर राजनीति में सक्रिय होना चाह रही हैं। कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से सभी हैरान हैं और बीजेपी इसके काट निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने व्यक्तिगत हमला बोलकर एक और बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब कैसे देती है। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक खबरों के लिए न्यूज टाइम्स 24 को सब्सक्राइब जरूर करें।